नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। पिछले 50 दिन से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार बहिष्कार करके अनशन पर बैठे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के आउटसोर्स मिशन कर्मियों ने आज अपना अनशन समाप्त कर दिया है और वे अपने काम पर वापस लौट आए हैं। लेकिन जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक एक काली पट्टियां बांध कर ही वह काम करेंगे। आपको बताते चलें कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार दुबे के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के मिशन कर्मी कार बहिष्कार कर अनशन पर बैठे थे। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष को मिशन निदेशक ने मौके का आश्वासन देकर प्रदेशव्यापी हड़ताल समाप्त कराई। प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर सभी आउटसोर्स मिशन कर्मी काम पर वापस लौट आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार दुबे ने बताया कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिशन निदेशक ने 9 सूत्रीय मांगों को पूर्ण करने के लिए 1 से 1.5 महीने का समय दिया है। मिशन निदेशक ने आश्वासन दिया है कि मांगों को क्रमवार पूर्ण किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें मिशन निदेशक से आश्वासन मिलने के बाद ही अनशन समाप्त किया गया है, लेकिन जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक सभी मिशन कर्मी काली पट्टियां बांधकर काम करेंगे और विरोध जताते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मांग पत्र में 2 माह के वेतन की भी मांग का उल्लेख किया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के इस निर्णय से आउटसोर्स मिशन कर्मियों के दूसरे खेमे में काफ़ी रोष व्याप्त है। आइए देखते नवोदय प्लस टाइम्स के लिए शाहिद खान की यह खास रिपोर्ट। सभी मित्रों को मैं प्रणाम और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 52-53 दिनों से जो हम लोग जिस मुहिम पे लगे हुए थे कि हमारी मंशा हमारी मांगे जो है पूरी हो, उसके क्रम में माननीय मिशन निदेशक महोदय एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो आश्वासन मिला कि आपके सभी मांगों पे विचार किया जा रहा है, वह जल्द से जल्द पूर्ण करा दी जाएंगी। वित्त विभाग में फाइल है, वहाँ से जल्द से आकर के जो है सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसमें 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा, सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएगी, आप लोग वापस जाइए उस पर काम करिए। तो उस पर संगठन ने निर्णय लिया, ठीक है हम लोग अभी कार्य पे वापस जा रहे हैं लेकिन काली पट्टी बांधते हुए अपने जनपदों पर काम करेंगे और अपना विरोध जताते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। तो आप सभी मित्रों से निवेदन है कि अपना कार्य करें ताकि जो हमारे नीचे इतना बड़ा समुदाय और इतना बड़ा जो 59 लाख 60 लाख परिवार जुड़ा हुआ है, वह सभी अपने जीविका में उनके कोई व्यवधान पैदा ना हो और कार्य करते रहें और हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएंगे, जैसा कि मिशन निदेशक महोदय और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अवगत कराया गया है। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जैसा कि अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष को सुना, उन्होंने अपने वक्तव्यों में साफ उनकी आवाज़ में वही बुलंदी दिखाई दे रही है और उन्होंने कहा है कि 1.5 महीने का वक्त लगेगा। हमारी जो मांग है उन पर हम काम करते रहेंगे, लेकिन जो पिछले 2 महीने में हमारा जो नुकसान हुआ है, क्योंकि जो मिशन निदेशक है उनका रवैया देखते हुए ये उनको ये फैसला लेना पड़ा, वो सबके हित में है। 2 महीने से जो है लोगों की तनख्वाह उनको जो है नहीं मिली है और काफ़ी जो है आर्थिक रूप से टूटने की स्थिति बन रही थी, तो उन्होंने ये निर्णय लिया है और उन्होंने ये कहा है कि 1 से 1.5 महीने में ये एक एक करके सारी मांगें हमारी पूरी होंगी। हम कार्य करेंगे ताकि मिशन का जो है जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनका नुकसान ना हो, और लेकिन हम काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। हमारा आंदोलन का तरीका जो है आंदोलन का तरीका हमारा वही रहेगा, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे और हम जो है काली पट्टी बांधकर हम जो है काम करेंगे और 1.5 महीने के बाद कोई ना कोई रिजल्ट मेरे हाथ में होगा। उनके इस आश्वासन से उनकी इस बात से कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग असहमत हैं। सहमत और असहमत की स्थिति बनी हुई है। देखना यह है कि आखिर इस कार्य बहिष्कार के स्थगन से इसके स्थगित होने से काफ़ी फ़र्क जो है पड़ा है, लेकिन आखिर जब तक इस कार्य बहिष्कार से और इस प्रक्रिया से जब तक इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आता है तब तक कुछ भी हम कहने की स्थिति में नहीं है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का ये कार्य बहिष्कार का स्थगन
क्या रंग लेके आता है उस लड़ाई से, इसका जो है इस तरीके से विराम लगने से क्या परिणाम निकलते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा नवोदय प्लस टाइम्स के लिए। लखनऊ से शाहिद खान की रिपोर्ट। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।